हे गाइस जय हिंद दोस्तों, सीए फाइनल इनडायरेक्ट टैक्स मई 22 एंड नवंबर 22 के नए बैचेस अनाउंस हो गए हैं। प्री बुकिंग शुरू हो गई है, 13 अक्टूबर से वो बैच आपको मिलने वाले हैं। तो सर, मैंने सोचा बैच शुरू होने से पहले आपको बता दें कि हाउ वी अप्रोच द सिस्टम ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। ओके, तो जीएसटी एंड कस्टम्स आपके सिलेबस में आता है, 75 मार्क्स फॉर जीएसटी, 25 मार्क्स फॉर कस्टम्स, और जो एग्जाम में पेपर आता है आपका वो रेशियो होता है 30:70 किसका, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड डिस्क्रिप्टिव बेस्ड क्वेश्चन। तो एमसीक्यू जाते हैं 30 मार्क्स के, रिमेनिंग 70 मार्क्स के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आते हैं। ये कस्टम्स और जीएसटी में डिवाइड होता है 25:75 के रेशियो में, 75% पोर्शन होता है जीएसटी का, 25% पोर्शन होता है कस्टम्स एंड फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का। अब जो बैच मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं, फुल कोर्स बैच इन डेप्थ, जिसमें हम हर एक चीज को पढ़ते हैं विद कॉन्सेप्ट्स, विद प्रैक्टिकल एग्जांपल्स, डे टू डे लाइफ में जो आप ट्रांजेक्शंस देखते हो उनसे हम कनेक्ट करते हुए कैसे पढ़ते हैं, कितने आर्स में, कितने ड्यूरेशन में हम वो सिलेबस को कवर करते हैं, ये सब का डिटेल मैं आपके सामने लिख रहा हूं। ये आपके सामने ड्यूरेशन शीट में खोल रहा हूं, ये ड्यूरेशन शीट है जिसमें लेक्चर वाइज हमने ब्रेकअप दिया है कि हर टॉपिक हमने कितने टाइम में कवर किया है, उसका एक समरी शीट है ये वाला बेटा। तो सर, सीए फाइनल इनडायरेक्ट टैक्स लगभग फुल कोर्स जो है वो लगभग 136 आवर्स का है, 136 आवर। तो सर, जो नया बैच आने वाला है लगभग उसमें तीन चार घंटे एक्स्ट्रा मान लीजिए अमेंडमेंट्स के हिसाब से, तो लगभग 140 आवर्स में हम फुल कोर्स करते हैं, 140 आवर्स में हम पूरा सिलेबस कवर करते हैं इन डेप्थ। हर एक टॉपिक को कॉन्सेप्चुअली हम कवर करते हैं, हर चीज को समझाया जाता है कि ये चीज अगर कोई पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन अगर सप्लाई के स्क्रिप्ट में आ रहा तो क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है, टाइम ऑफ सप्लाई बना तो कैसे बना, वैल्यू सप्लाई होगा तो वैल्यू आखिर ये क्यों होती है, कोई पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन में आईटीसी मिल रहा है तो क्यों मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, एवरीथिंग इन डेप्थ हम बात करते हैं। ओके, विद डे टू डे लाइफ जो आपके प्रैक्टिकल लाइफ में आप चीजें देखते हो उनके एग्जाम्पल्स को कवर करते हुए, प्लस ये जो लेक्चर है इसको हम किस तरह से डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं जीएसटी से, जो वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग सब्जेक्ट है, वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग टॉपिक है आज की प्रैक्टिकल लाइफ में। तो जीएसटी से हम शुरुआत करते हैं। तो जीएसटी के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं हमारे, इंपॉर्टेंट मतलब लेवी, सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई, ये सब आप देखिए आईटीसी टिल रिटर्न्स चैप्टर नंबर 13 तक ये हम कवर करते हैं लगभग 82 आवर्स 18 मिनट्स में, क्लियर, 48 सेकंड्स लिखा है और 53 इज द नंबर ऑफ फाइल्स, वीडियो फाइल्स कितनी मिलने वाली उसके लिखा है। तो अल्टीमेटली 82 आवर्स एंड 18 मिनट्स, लगभग 85 आवर्स में हम ये जो टॉपिक जीएसटी के शुरुआत के ये पूरा कवर करते हैं। फिर एक बार हम जीएसटी के रिटर्न्स फाइलिंग तक पहुंच जाते हैं, उसके बाद वी बिगिन विद कस्टम्स, और कस्टम्स को हम पूरा हर एक टॉपिक को इंक्लूडिंग वैल्यूएशन, उसके क्वेश्चंस, ये सब हम कवर करते हैं लगभग 26 आवर्स 42 मिनट्स, लगभग 27 आवर्स में पूरा कस्टम्स हम कवर कर लेते हैं, एफटी भी बाद में कवर करते हैं। और ये कवर करने के बाद हम वापस आते हैं उन चैप्टर्स पे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, अगर आपको 70-80 मार्क्स स्कोर करना है मिनिमम, तो जीएसटी के प्रोसीजरल चैप्टर, इनको भी हम हर एक टॉपिक को कॉन्सेप्चुअली प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्ट करते हुए हर एक बात को समझते हुए लगभग 20 आवर्स 19 मिनट्स में हम कवर करते हैं, क्लियर, इंक्लूडिंग एफटीपी आल्सो। ओके, तो दिस इज हाउ 136 आवर्स में लगभग आप समझ लो, थोड़ा सा अगर बढ़ेगा नए बैच के अंदर तो 3-4 घंटे बढ़ेंगे, तो लगभग अराउंड 140 आवर्स में हम पूरा सिलेबस कवर करते हैं। और हाँ, इसमें अगर आपने देखा हो तो हम हर चैप्टर का क्वेश्चन भी हम इसमें कवर कर लेते हैं। ये 136 आवर्स में आपको जो मेन बुक है उनके चैप्टर से क्वेश्चन मिलेंगे आपको, चैप्टर 4 के क्वेश्चन, चैप्टर 5 के क्वेश्चन, चैप्टर 6-7 के क्वेश्चन। ओके, सो दिस इज हाउ वी कवर all the topics along with the questions which are given in the main book. Okay, plus हमने इन lectures के end में questionnaire के solution भी दिए हैं, जो questionnaire book, अच्छा वैसे बता देता हूँ आपको मैं, जब हम आपको lecture देंगे साथ में हम आपको 7 set of books देंगे, 7, 3 होगी main book, volume 1, 2, 3, clear, ये main book हो गया कि volume 1 and 2 is for GST, volume 3 is for customs and FTP. दो बुक मिलेगी आपको, क्वेश्चनर बुक वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2, जिसमें सारे क्वेश्चंस जितने भी पास्ट एग्जाम में आज तक जीएसटी में आईसीए ने दिए, सारे एग्जाम क्वेश्चंस, आरटीपीज आज तक की, एमटीपीज आज तक की, क्लियर, और
एडिशनल क्वेश्चंस आईसीए की जितने भी है वो सब हमने इनमें कवर किए हैं। मतलब आपने अगर मेन बुक प्लस क्वेश्चनर किया तो लाइफ जिंगा लगा, प्लस चैप्टर वाइज। अच्छा, इन टॉपिक्स को भी आरटीपी एमटीपी आईसीए की क्वेश्चंस प्लस पास्ट एग्जाम क्वेश्चन, इनको हमने चैप्टर वाइज डिवाइड किया है, तो आप हर चैप्टर के साथ इन क्वेश्चन को भी कर सकते हो। प्लस एक बात और, हमने हर चैप्टर के अंदर ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन के बाद में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी दिए हैं। एंड एट द एंड ऑफ द क्वेश्चनर हमने ICA ने जो केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज दिए वो भी हमने सारे कवर किए, अलोंग विद सम एडिशनल केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज जो मैंने खुद ने बनाए हुए वो भी हमने वहां दिए हुए। तो ये सब क्वेश्चनर में कवर है। प्लस एक बुक आपको मिलेगी समरी बुक, ये जो तीन वॉल्यूम आपको बुक दी है इसका समराइज फॉर्म में पूरा समरी बुक आपको मिलेगा। लास्ट डे एग्जाम के लिए आपको समरी बुक ही देखना है। ओके, बताता हूं कैसे आपको पढ़ाई करनी है। एंड एक और यूनिक रामबाण चार्ट, मतलब ये आइडेंटिटी का रामबाण सॉल्यूशन है भाई। अब ये सात बुक आपको मिलेगी, इनको कैसे यूज करना है, कैसे पढ़ना है, वो हम बात करते हैं डिटेल के अंदर। ओके बच्चों, तो सरकार सबसे पहली बात, क्वेश्चनर जो मैंने बात करी आपसे, इसके भी सॉल्यूशन के हमने छह लेक्चर्स आपको दिए हैं, लगभग सेवन आवर्स के छह लेक्चर्स आपको मैंने दिए है, सिक्स लेक्चर्स लगभग सेवन आवर्स के है, और इसमें जितने भी बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं चैप्टर वाइज वो मैंने इसमें कवर किए। प्लस ध्यान रखिए, ये जो मैंने अब तक बताया आपको जिसमें सारे चैप्टर्स कॉन्सेप्चुअली कवर किए, प्लस मेन बुक के सारे क्वेश्चन कवर किए, प्लस क्वेश्चनर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो बड़े क्वेश्चन थे वो हमने कवर किए, ये सब 136 आवर्स में है, लगभग 140 आवर्स मान लीजिए आप। प्लस उसके अलावा यूट्यूब पे एडिशनल मटेरियल फॉर एग्जाम्स एंड रिविजन हमने अपलोड किया है, चैप्टर वाइज हर चैप्टर का रिवीजन हमने YouTube पे अपलोड किया हुआ है और नए रिवीजन लेक्चर भी आ रहे हैं आपको पता है। तो सरकार ये हर चैप्टर वाइज जो हमने रिवीजन अपलोड किया है ये लगभग 14 आवर्स, मतलब 14 आवर्स में पूरा इनडायरेक्ट टेक्स्ट YouTube पे रिवाइज चैप्टर वाइज। ओके, ये बहुत ही आपको हेल्प करने वाला है ड्यूरिंग द एग्जाम्स एंड बिफोर द एग्जाम्स ऑल्सो। प्लस उसके अलावा आप देख लीजिए, ये आरटीपी एमटीपी के सॉल्यूशन प्लस आईसीए के एडिशनल क्वेश्चन जो दिए हुए थे वो भी हमने कवर कर दिए, प्लस केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू जो मैंने खुद ने बनाया था सात क्वेश्चंस, क्लियर, उनका सॉल्यूशन भी वीडियो फाइल में आपको यूट्यूब पे अपलोड करके रखा हुआ है। प्लस अच्छा, अब जो इन एग्जाम्स के लिए आरटीपी एमटीपी आएगी वो भी मैं यूट्यूब पे अपलोड करता हूं हर बार, तो वो भी आप देख लीजिएगा एडिशनली। तो ये सब एडिशनल मटेरियल जो है वो 27 आवर्स के इंक्लूडिंग रिवीजन आल्सो ऑन यूट्यूब। ओके, अब नए आने वाली जो आरटीपी एमटीपी होगी उसके आप लगभग एवरेज 4 आवर्स और ऐड कर लीजिए। ओके, तो लगभग आपका 32 आवर्स का ये मटेरियल हो गया यूट्यूब पे, जो आपको आरटीपी एमटीपी पास्ट एग्जाम क्वेश्चन प्लस पास्ट एग्जाम क्वेश्चन नहीं एडिशनल क्वेश्चन ऑफ आईसीए प्लस केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू प्लस आईसीएआई की जो केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज है उसके भी शानदार तरीके से हमने सॉल्यूशन निकाले हैं। अच्छा, उसमें दिमाग क्या लगाया, देखो सीए फाइनल के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट टाइम, तो कैसे टाइम सेव हो जाए और हर एक चीज कवर भी कैसे हो जाए, उसके लिए हमारी टीम ने दिमाग लगाया और उन्होंने एक शानदार सजेशन दिया मेरे को जिसको हमने इंप्लीमेंट किया। आईसीएआई ने जितने भी केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू दिए वो हमने अपने क्वेश्चनर बुक के एंड में कवर किए, प्लस उन सबका ऑडियो सॉल्यूशन। मतलब क्या होता है, हर केस स्टडी का अगर हम वीडियो रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे अपलोड करें तो ऑन एवरेज एक केस स्टडी लगभग 30 से 40 मिनट 45 मिनट आपका टाइम लेगी, और इतना टाइम एडिशनल आपको देने के लिए वर्थ नहीं लगा मुझे क्योंकि आपके सबसे इंपॉर्टेंट टाइम। तो सर हमने क्या सोल्यूशन निकाला उसका, क्या करेगा केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज लास्ट में देखना क्योंकि उसमें मल्टीपल चैप्टर्स को मर्ज करके सिंगल क्वेश्चन बनाया गया, तो जब लास्ट में आप उसको केस स्टडी को देखोगे तो जब आप केस स्टडी पढ़ेंगे उसका जब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएगा उस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को आप सोल्व करने की कोशिश करिएगा, प्लस उसका ऑडियो सोल्यूशन डायरेक्ट टू द पॉइंट एमसीक्यू नंबर वन उसका सॉल्यूशन ये है, इसका आंसर ऐसा है तो क्यों आया कैसा आया डायरेक्ट टू द पॉइंट मैंने उसमें ऑडियो रिकॉर्ड करके एक एक केस स्टडी का मैंने सॉल्यूशन अपनी वेबसाइट पे अपलोड किया हुआ ऑडियो फाइल वहां से आप ले सकते हो। प्लस एक और बात, जितने भी क्वेश्चन हम सोल्व कर रहे हैं भले वो आरटीपी के क्वेश्चन हो गए पास्ट एग्जाम के क्वेश्चन हो गए, जैसे मैंने आपको बताया क्वेश्चनर के अंदर हमने सारे आरटीपीज एमटीपीज पास्ट एग्जाम क्वेश्चन सब कुछ कवर किया, इन सबके सोल्यूशन अमेंडेड सॉल्यूशन है भाई। मतलब अगर मान लो कभी कोई अमेंडमेंट आया उसकी वजह से किसी क्वेश्चन का आंसर चेंज हुआ तो वो सब आंसर हमने चेंज किए हुए। ओके, सो अकॉर्डिंग टू द अमेंडेड लो आपको बुक मिली है और उसके अकॉर्डिंग ही आपको सारे सॉल्यूशन मिलेंगे। ओके, सो नो नीड टू वरी। अब मैं आपको बताता हूं किस तरह से आपको आपके इनमें पढ़ना है, ये मैंने बताया कि ये हमने जो अवेलेबल करवाया वो
किस तरह से अवेलेबल करवाया, कितना ड्यूरेशन है, वो सब कुछ। अब आपको अगर रिवाइज करना है, आपको अगर मेरे साथ पढ़ना है इंडायरेक्ट टैक्स, तो किस तरह से पढ़ना है, देखो भाई आई एम द अल्टीमेट कोच एंड यू आर द अल्टीमेट प्लेयर, अल्टीमेटली खेलना आपको, मैं डायरेक्शन दे सकता हूं, मैं बता सकता हूं ऐसा चलना है और इसमें स्कोर आपका बन सकता है। तो सरकार कैसे आप अगर मूव अहेड करेंगे तो मार्क्स अच्छे मिल सकते हैं अपने को, कैसे हम इस सब्जेक्ट को वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट बना सकते हैं विद मिनिमम ड्यूरेशन। देखो बच्चों अभी मैंने आपको बताया 140 आवर्स का ड्यूरेशन है फुल कोर्स बैच का, जिसमें हर टॉपिक कॉन्सेप्चुअली कवर करते हैं विद प्रैक्टिकल एंड लाइव एग्जांपल्स। लाइव एग्जांपल मतलब जो डे टू डे लाइफ में आप चीजें देखते हो, ट्रांजेक्शन देखते हो, उनको लिंक करते पढ़ावा हमें सारे सब्जेक्ट को। इससे आपको क्या होता है, टॉपिक्स को रिटेन करने में, समझने में बहुत आसानी थी। अब समझो मेरी बात करो, मैं बड़े बड़ी बात करूं लाइन टाटा ऐसा वैसा और अपनी तरफ समझ नहीं आ रहा है, तो क्या होता है कि उसी टॉपिक को समझने में 3 घंटे लग जाएंगे। और मैं क्या करता हूँ, एक छोटा सा एग्जांपल दिया जो आप रोज ट्रांजेक्शन देखते हो और उसी से लिंक कर दिया आपके टॉपिक को और फटाफट आप लोग भाई इतना ईजी है क्या, और वो एक ही एग्जाम्पल में मैटर क्लियर। समझे मेरी बात, वो रहा जाइए 140 आवर्स का, कोई शॉर्ट नहीं मारा है, कोई शॉर्टकट नहीं है, बस वो पढ़ाने का तरीका है। तो उन छोटे छोटे एग्जाम्पल से, लाइव प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से आपको चीजें बहुत जल्दी समझ में आती है और डायरेक्ट आपके माइंड में घुसती है, और इस 140 आवर्स के कम ड्यूरेशन में हम पूरा सिलेबस कवर कर लेते हैं। प्लस जो मैंने आपको बताया एडिशनल रिवीजन लेक्चर जो यूट्यूब पे हमने अपलोड किए, कंटेंट जो अपलोड किया यूट्यूब पे, उसकी बात 2 मिनट बात करता हूं। पर अगर आप फुल कोर्स बेच लेते हो 140 आवर्स का, ऑन एवरेज अगर आप डेली के 3-3.5 घंटे का एक लेक्चर अगर आप देखते हो, तो मुझे ऐसा लगता है अगर सेम डे आप बुक से पढ़ लेते हो उसी टॉपिक को, तो 3-3.5 घंटे के कंटेंट को रिवाइज करने में मैक्सिमम आपको 1 आवर 1.5 आवर लगेगा। अच्छा अगेन डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, डिपेंड्स ऑन लेक्चर टू लेक्चर, किस लेक्चर में होता थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा लग जाए, किसी लेक्चर में होता टाइम बहुत कम लगे आपको। तो टोटल 140 आवर्स इंक्लूडिंग क्वेश्चन आल्सो, मेन बुक के क्वेश्चन और क्वेश्चनर के क्वेश्चन भी इसमें कवर है। तो ये आप करोगे जब, तो मुझे लगता है ऑन एन एवरेज आपको अगर हम 1.5 आवर भी मान ले 3 घंटे के लेक्चर को सेल्फ स्टडी करने में, बुक से आपके इनके रिवाइज करने में अगर 1.5 आवर लगता है, तो टोटली 70 आवर्स में आपके एंड पे सेल्फ स्टडी करके आईडीटी खत्म। माहौल सरकार 210 घंटों में तो माहौल ये जमा दिया आपने। प्लस जो एडिशनल कंटेंट मैंने दे रखा है यूट्यूब पे, उसमें जो मैंने आपको बताया था अभी टोटल 32 आवर्स प्लस वो आईसीए के जो केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू मैंने ऑडियो फाइल जो सोल्व करी है, वो लगभग 8 मिनट 10 मिनट 7 मिनट 5 मिनट इतना ही एक एक केस स्टडी को पूरा सोल्व कर दिया है, जिससे आपको फटाफट टाइम बचाते हुए और पूरा कवरेज होते हुए सोल्यूशन मिल जाए। तो सरकार आपने ऑन एन एवरेज 10 मिनट अगर माने, 30 MCQs अगर है केस स्टडी बेस्ड MCQs, तो 300 मिनट मतलब लगभग 5 घंटे 5 आवर्स क्लियर 37 आवर्स। तो 37 आवर्स में सारी RTPs, सारी MTPs, ICA के case-based MCQs, case-based MCQs जो मैंने एडिशन दिया आपको वो, प्लस 14 आवर्स के रिवीजन वीडियोस भी इसमें इंक्लूडेड है। मतलब आपने अगर ये जो हम ड्यूरेशन निकाल रहे हैं आपके रिवीजन के लिए प्लान के लिए भाई, उसमें अगर आपने ये 40 आवर्स और जोड़ दिए जिसमें RTP, MTP सब कुछ कवर हो गया, तो लगभग 250 आवर्स में तो सरकार माहौल ही हो गया पूरा। इनडायरेक्ट टैक्स सारे क्वेश्चंस सरकार RTP आ गया, MTP आ गया, पास्ट एग्जाम के क्वेश्चन आ गया आपके, जो मैंने क्वेश्चनर में सॉल्व कराया आपको, मेन बुक के क्वेश्चन आ गए, हर टॉपिक का कॉन्सेप्ट आ गया, हर चीज को प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्ट करके समझ लिया और आपके इन पे रिवाइज भी हो गया सेल्फ स्टडी करके 70 आवर्स में, तो सरकार और क्या चाहिए। क्लियर? प्लस मेरे को ऐसा लगता है अगर आपने एक बार में 70 आवर्स में खुद के एंड पर रिवाइज कर लिया सब्जेक्ट को, तो सर आप सोचिए जब आप फर्स्ट रिवीजन करने बैठेंगे, मतलब एक बार तो आपने सिलेबस पूरा कवर कर लिया अलोंग विद द बुक, फिर जब आप सारे सब्जेक्ट खत्म करने के बाद रिवीजन के लिए बैठते हो, तो यार जब आपका फर्स्ट रीडिंग ही 70 आवर्स में पूरा हो गया था, तो सोचिए सेकंड रीडिंग तो इससे थोड़ा कम आर भी लगेगा ना यार। मैं तो मानता हूं सेकंड रीडिंग आपकी पूरी 70 आवर्स की होगी। चलो और सर जब हम रिवीजन करने बैठते हैं तो ऑन एन एवरेज हमारे इफेक्टिव 12 आवर्स अ डे रिवाइज हमको पढ़ाई करना पड़ता है इफेक्टिव पढ़ाई, तो सर अगर इसको आप डिवाइड बाय 12 आवर भी करते हो तो सर लगभग 6 डेज अगर फुल डे की बात करें, अगर एक ही सब्जेक्ट रिवाइज करते हो तो इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन क्लियर, तो लगभग 6 से 7 दिन में आपका फर्स्ट रिवीजन पूरा इंटरनेट एक्सा खत्म हो जाएगा, ये मेरी प्लानिंग है सर। तो सर अगर आपने इस सब्जेक्ट को जिस तरह से मैंने पढ़ाया है, अच्छा एक और बात बता देता हूं आपको, जब आप लेक्चर पढ़ेंगे
तो आपको ऐसा लगेगा कि बस लाइव बेंच में पड़े बैठे हैं, मजा आ रहा है, माहौल चल रहा है, हंसी मजाक हो रही है, एंड यू विल नॉट रिग्रेट कि यार मैं फेस टू फेस बेंच में क्यों नहीं गया इन कोविड की वजह से। क्लियर, आपको माहौल बनने वाला है और आप हंसते हंसते पढ़ने वाले हो, मतलब आपको बोरिंग नहीं लगेगा लेक्चर और मजा आएगा। अब आप सोचिए हंसते हंसते अगर आपने पढ़ लिया विद कॉन्फिडेंस तो सर ये सब्जेक्ट वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट तो बनेगा बनेगा, साथ में वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट भी बनने वाला आपके लिए। क्लियर, ध्यान रखिए सेकंड ग्रुप के अंदर इनडायरेक्ट टेक्स्ट एक आपका बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट हो सकता है अगर आपने इसको ढंग से प्लान करके पढ़ाई करी तो। अच्छा, इतने टाइम में आपको पूरा सिलेबस भी कवर हो रहा है, रिविजन भी हो रहा है और आपके इन पे सेल्फ स्टडी भी हो रही है। क्लियर, तो सर सबसे इंपॉर्टेंट है सीए फाइनल के अंदर टाइम, ये टाइम मैनेजमेंट अगर आपने कर लिया, इतने कम ड्यूरेशन में सब कुछ चीजें अगर कवर कर लिया आपने तो माहौल बनने वाला है, प्लस वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट का चैलेंज मैं आपको दे सकता हूं कि दिस विल बी इनडायरेक्ट टेक्स्ट विल बी वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट, वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट और दिल से जुड़ेंगे तार आपके इनडायरेक्ट टेक्स्ट से। क्लियर, एक बात यह। सेकंड बात, मेरा टारगेट आपको लेके केवल पास कराना नहीं है, ये अगर इतना सब कुछ कंटेंट आपने इस प्लानिंग से पढ़ लिया जिस तरह से मैंने बताया आपको, उस प्लानिंग से अगर पढ़ लिया तो मेरा टारगेट आपको लेके 70-80 मार्क्स है, जो हर अटेम्प्ट में आपने देखे होंगे बहुत सारे स्टूडेंट्स के स्कोर होते भी है, मेहनत उनकी होती है, डायरेक्शन हमारा होता है। क्लियर, तो सरकार ये जो टारगेट है सिलेबस का, इसका टारगेट केवल 40 मार्क्स नहीं है, 50-60 मार्क्स नहीं है, 60+ 70-80 प्लस मार्क्स है आपका। सो आई होप ये सब्जेक्ट आपके लिए बहुत स्कोरिंग रहे, और हाँ मैं तो कह रहा हूं माहौल बनना चाहिए, सब्जेक्ट इतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि आपके लिए सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे माहौल बनाने वाला सब्जेक्ट बने। अच्छा, ऐसा क्यों बोल रहा हूं आपको, क्योंकि पता है जब आप एग्जाम हॉल में जाते हो तब कई बार ऐसा होता है कि जो पेपर, कोई भी पेपर अगर आप दे रहे हो तो जरूरी नहीं कि वो आपकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग ही है, तो एक दो पेपर ऐसे होते हैं जिसमें दिमाग खराब होता है कि भाई क्या हो गया ये, तो वहां पे दो तीन सब्जेक्ट आपकी ऐसी होनी चाहिए जिसमें आपको इतना कॉन्फिडेंस हो कि कोई बात नहीं, ये पेपर मेरा सो गया है, अच्छा नहीं गया, कोई बात नहीं साहब, आ रहा है वो संभाल लेगा, एवरेज आउट कर लेगा, तो वो कॉन्फिडेंस आपको इस सब्जेक्ट में आ सकता है अगर आपने इस तरह से प्लानिंग करके पढ़ लिया तो। माहौल बनेगा और टारगेट 70-80 मार्क्स है, और मैं तो गारंटी देता हूं कि ये वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग और वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट आपका बनेगा। और ये भी चैलेंज, अगर आपके इंटरटेक्स में ये सब प्लानिंग के बाद भी 40 मार्क्स भी नहीं आते, 100% रिफंड करने के लिए तैयार, 100% यस सर, पर सर ऐसा होगा नहीं मुझे पता है, पर सर स्टिल आई एम रेडी टू गिव यू 100% रिफंड अगर आपको 40 से भी कम मार्क्स आते इतना सब प्लानिंग करने के बाद भी। पर हाँ, माय विशेस आर विद यू, 100% गारंटी है कि आपके बहुत ही शानदार मार्क्स आने वाले, क्योंकि आप अच्छे से पढ़ रहे हो, चीजों को रट नहीं रहे हो, चीजों को समझ रहे हो, कॉन्सेप्चुअली पढ़ रहे हो, हम प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ पढ़ते हैं, हर एक क्वेश्चन कवर करते हैं, प्लस डे टू डे लाइफ में जो ट्रांजेक्शन देखते हो उनपे किस तरह से टैक्सेशन का इफेक्ट है, क्योंकि जीएसटी इज अ टैक्स ऑन ट्रांजेक्शंस, हर एक ट्रांजेक्शन को हम समझ के उसको लिंक करते हैं बुक से और उसके बाद हम टॉपिक को कवर करते हैं। क्लियर, सो माय बेस्ट विशेस आर विद यू, ऑल द बेस्ट, माहौल से पढ़ो, खुश होके पढ़ो, हंसते हंसते पढ़ो, और सर अपनी जिंदगी जियो, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, वी आर विद यू, थैंक यू सो मच, माहौल। हाँ, अरे भाई कहाँ जा रहे हो, समरी बुक और चार्ट को कैसे यूज करना है वो तो बता दूं आपको। तो समरी बुक, इसमें मैंने हर टॉपिक कवर किया है, हर एक पॉइंट कवर किया है समराइज फॉर्म में, जो तीन बुक अपनी वॉल्यूम 1-2-3 है उसका समरी मैंने इसमें दिया, हर टॉपिक को कवर करते हुए शॉर्ट फॉर्म में दिया है, पर हाँ छोड़ा कुछ भी नहीं है, एवरीथिंग इज कवर्ड हियर। प्लस इसमें जब बुक शुरू हो रही है उसकी स्टार्टिंग में सारे सेक्शंस और रूल नंबर का लिस्ट भी दिया है, सेक्शन नंबर एंड रूल नंबर, सो दैट आप रिवाइज कर पाओ उनको। ओके, अब इसको यूज कैसे करना है, बच्चों कोई भी चैप्टर आप पढ़ते हो वीडियो क्लास में, कोई भी एक चैप्टर कंप्लीट किया आपने, उसके जस्ट बाद में उस चैप्टर को खत्म करते ही उसे क्वेश्चन देख लो क्वेश्चनर के, प्लस उसके बाद में समरी बुक भी देख लो साथ में। अब साहब आपने अगर समरी बुक साथ में देख ली तो क्या होगा, उस समरी बुक में आपको पता बढ़ जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कि हाँ जो भी मैंने मेन बुक में पढ़ा है वो सब कुछ इसमें कवर है। प्लस आप एडिशनली क्या करिएगा, मेन बुक में कुछ क्वेश्चन अगर आपको लगा कि ये मेरे को लास्ट डे रिवाइज करने के लिए रखना है, या क्वेश्चनर कुछ क्वेश्चन आपको मार्किंग करना है, तो क्या करना, आप समरी बुक के अंदर पेज नंबर लिख देना मेन बुक का या क्वेश्चनर का या दोनों का, जो जो आपको रेफर करने हैं, और मेन बुक और क्वेश्चनर के अंदर उन क्वेश्चन को मार्किंग कर लेना, मतलब लिंक कर देना अल्टीमेटली समरी बुक से, क्योंकि देखो अल्टीमेट आपका और मेरा एम है वो एग्जाम्स, प्रैक्टिकल लाइफ के तो हमने पढ़ ही लिया, नो डाउट नॉलेज मिल गया, पर अल्टीमेट एग्जाम भी तो पास करना है, तो लास्ट डे 1.5 डे में
आप कैसे रिवाइज करोगे इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पूरा रिवाइज नहीं किया तो रिटेंशन पावर बहुत कम होती, क्योंकि यू नो सीए फाइनल में 8 सब्जेक्ट होते हैं, नेक्स्ट सब्जेक्ट का नंबर आते आते 1 महीना हो जाता है, तो सर लास्ट डे पूरा कंटेंट रिवाइज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो दैट आपको सारे टॉपिक एग्जाम हॉल में याद आए। तो सर उसके लिए समर बुक बनी हुई है, इस समर बुक को आप लास्ट डे के लिए यूज करना है, पर लास्ट डे डायरेक्ट इसको उठा लिया तो मजा नहीं आएगा, इसलिए हर चैप्टर को पढ़ते वक्त फर्स्ट रीडिंग के टाइम ही समरी बुक को भी देख लो, क्लियर। और अगर आपको लगता है कोई पॉइंट एडिशनली आपको मार्क करना है तो मेन बुक या क्वेश्चनर क्या वो मार्क करके और पेज नंबर यहाँ लिख दिया आपने तो एट द एंड आपके लिए समरी बुक ही रह जाएगी। अच्छा एक और बात, जब आप फर्स्ट रिवीजन करने बैठेंगे तब देखना कई सारे क्वेश्चन जो आपने मेन बुक और क्वेश्चनर के मार्क किए थे आपको लगेगा नहीं यार इसको वापस से सेकंड रिवीजन में या एग्जाम डे रिवीजन के लिए जरूरत नहीं है, उसको आप कट भी कर दोगे, तो आपका अल्टीमेटली समरी बुक प्लस कुछ क्वेश्चन जो एडिशनली आपने मार्क किए होंगे क्वेश्चनर और मेन बुक के वो ही रह जाएंगे, और लास्ट डे आपका आराम से हले हले ये पूरा बुक आराम से रिवाइज हो जाएगा, इंक्लूडिंग क्वेश्चंस आल्सो जो आपने मार्क किए। प्लस अब आप कहेंगे सर व्हाट अबाउट रामबाण चार्ट, इनका क्या करने का, भगवान राम ने हम सबको आशीर्वाद दिया अच्छे से पढ़ने का, अब उसको कैसे यूज करने का, इस रामबाण को कैसे चलाने का। सर पता है जब आप सीए फाइनल की पढ़ाई करते हो इतने सारे सब्जेक्ट होते हैं, उसमें इतने सारे कंटेंट होते हैं कि कुछ टाइम बाद आपको लगता है मेरे को तो कुछ भी याद नहीं, गजनी सा लगता है कई बार सब भूल गए, तो सर वहां पे इनडायरेक्ट टैक्स को वापस से फास्ट वे में एकदम कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए आप वहां पे चार्ट आपको काम आएंगे, ये 5.5 मतलब 5.5 चार्ट में पूरा जीएसटी प्लस कस्टम हमने कवर कर लिया है और सारे टॉपिक कवर किए। क्या करने का, कभी भी आपको लगे कॉन्फिडेंस डाउन हो रहा है या मेरे को फटाफट ऐसा लग रहा है कि कुछ भी याद नहीं आ रहा है, तो फटाफट क्या करने का, पॉजिटिव एनर्जी लाने के लिए चार्ट खोला, कोई भी टॉपिक देखा जो आपको देखना है और वो टॉपिक फटाफट फटाफट देखा और भाई 15-20 मिनट आधे घंटे के अंदर तो वो पूरा चैप्टर ही खत्म हो जाएगा इस चार्ट से, और आपको लगेगा नहीं नहीं यार सब तो याद है कहां भूला मैं। तो सर यू नो बीच बीच में जब भी आपको रिवाइज करना सब्जेक्ट को इन चार्ट को खोला देखा काम खत्म, समझे मेरी बात, तो दिस इज हाउ इन चार्ट को और समरी बुक को आप यूज कर सकते हो, अपना कॉन्फिडेंस लेवल मेंटेन रख सकते हो और माहौल बना सकते हो। प्लस रिवीजन वीडियो तो यूट्यूब पे ही ना भाई, कभी भी आपको लगे कि कोई चैप्टर आपको लग रहा है कोई टॉपिक आपको लग रहा है मैं तो भूल गया, देख लेना यूट्यूब पर, जैसे रिवीजन वीडियो देखा चार्ट देखा जिंदगी में आनंद आ जाएगा वापस से, आनंद मतलब मजा आ जाएगा कोई आनंद नहीं। ओके तो सर ऑल द बेस्ट, पढ़िए अच्छे से माहौल के साथ और सर दिल के साथ, क्लियर, हंसते हुए पढ़िए, एंजॉय द स्टडीज, थैंक यू सो मच, माहौल।